नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। छत्तीसगढ़ की राजनीति में चुनावी माहौल चरम सीमा पर है। वह धमतरी मुख्यालय नगर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले भी धमतरी औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था। वह आज ये नगर व जिला अपने विकास व प्राकृतिक वादियों, गंगरेल छत्तीसगढ़ का पर्यटन स्थल व सुरम्य वादियों से छत्तीसगढ़ के मानचित्र में अलग स्थान रखता है। वाइस हाई प्रोफाइल सीट पर रंजना दीपेंद्र साहू दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है। वह पिछले पंचवर्षीय में रंजना दीपेंद्र साहू ने अपने कार्यकाल में बेहतरीन विकास कर क्षेत्रवासियों का विश्वास जीता है। भाजपा द्वारा विश्वास की दायित्वों को निभाकर इतिहास रचने जा रही है। वह क्षेत्रवासियों से मिलकर डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा को वोट देने की अपील कर रही है। रंजना दीपेंद्र साहू क्षेत्र में एक लोकप्रिय मिलनसार संघर्षशील के रूप में जानी जाती हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उत्कृष्ट विधायक से सम्मानित की जा चुकी रंजना दीपेंद्र साहू को क्षेत्र की जनता का अपार जनसमर्थन मिल रहा है। वह रंजना दीपेंद्र साहू ने धमतरी विधानसभा में सभी योजनाओं का बेहतरीन क्रियान्वयन कर मिसाल पेश की। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए जो उनके सपने हैं, उन सभी वाक्यों पर निरंतर प्रयासरत हैं। वह स्वयं एक शिक्षित महिला होने व दूरदृष्टि होने के कारण इस दिशा में उनका कार्य बेहतरीन रूप ले रहा है। रंजना दीपेंद्र साहू ने भारत टाइम्स न्यूज को प्रेस वार्ता में बताया कि भारतीय जनता पार्टी की मैं हृदय से आभारी हूं कि मुझ पर जो विश्वास जताया, वह प्रधानमंत्री मोदी का आभार मानती हूँ व केंद्र व मोदी के महत्वाकांक्षी योजनाओं का जो यहाँ विकास व उनके सपने स्वच्छ भारत सुंदर भारत के सपनों का जो योजनाएं, उसे सुंदर रूप देकर धमतरी को छत्तीसगढ़ के मानचित्र पर नई मिसाल देने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में धमतरी में विकास की सौगात से लबालब कर देंगे व क्षेत्रवासियों की समस्याओं को दूर करने का हर संभव प्रयास जारी रहेगा। जैसी एक सामान्य सी कार्यकर्ता को फिर से एक अवसर दिया है कि आप जाइए और जनता की सेवा करिए। और लगातार 5 साल मैंने जब जनता की सेवा की तो मुझे अपार स्नेह और प्यार इस जनता का मिला है। इस बार भी वही आशीर्वाद धमतरी की जनता का मिलेगा। मैं यहाँ की बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ और इस नाते काफ़ी लोगों ने बहुत स्नेह दिया है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने 10 साल जिन्होंने यहाँ पर सेवा की उन्हीं को यहाँ पर नकार दिया और दूसरे प्रत्याशी को आगे कर दिया। तो इस तरह का जो अपमान है ऐसे शोभा नहीं देता कांग्रेस पार्टी में, जिस तरह उन्होंने आदरणीय होरा जी का जो अपमान किया है। निश्चित रूप से हम चुनाव के मैदान में उतरे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे दम से चुनाव लड़ेगी। हम बहुत सारे हमारे विषय हैं, बहुत सारे मुद्दों को लेकर आपने देखा है लगातार जो कांग्रेस जो बहुत सारे घोटाले करती है, ये PSC का घोटाला है, इनका मन नहीं भरा तो गोबर के घोटाले को भी नहीं छोड़ा, चावल का घोटाला यह सरकार लगातार कर रही है, शराब का घोटाला है जो बहुचर्चित रहा है, ऐसे बहुत से घोटाले हैं जो ये सरकार लगातार करती आई है। मतलब इस सरकार ने अपना पेट भरने का काम किया है और जनता के पेट में इन्होंने लात मारी है। केंद्र की सरकार जो लगातार चावल बेचती रही कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, उस चावल तक को ये कांग्रेसी खा गए। तो इस तरह का जो अन्याय है यह प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, प्रेम और स्नेह जो ये है वो कमल की छाप के लिए है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए लोगों का स्नेह है जो लगातार आप देख रहे हैं। हम तो वैसे भी कहते हैं कि कमल का छाप हमारा चिन्ह है, हम उस छाप के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं। कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता, हमारा दल पूरा लगा रहता है चुनाव लड़ने में। निश्चित रूप से जैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आपने वैसे भी देखा है प्रधानमंत्री जी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है महिलाओं को आगे बढ़ाने में, जनधन खाते से लेकर रसोई गैस की उज्ज्वला गैस से लेकर शौचालय से लेकर नल जल जीवन जल जीवन मिशन से लेकर इतनी सारी अनान्य योजनाएं हैं जो केवल हमारी बहनों के लिए बनाई गई है ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़कर आगे आए, समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, 33% आरक्षण आप देख रहे हैं सारी चीज़ों को लेकर। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी निश्चित रूप से हम महिलाओं के लिए और बढ़कर बढ़ चढ़कर हम उनके लिए योजनाएं लाएंगे ताकि महिला आत्मसम्मान से